Hello everyone, welcome on ESP, that's English Skills Point. In this video, the sentences like जब तक वह यहाँ नहीं आ जाता मैं उसकी मदद नहीं कर सकता, जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करता है परीक्षा पास नहीं कर सकता, जब तक तुम वहाँ नहीं जाते तुम उसकी मदद नहीं कर सकते हो, जब तक तुम अभ्यास नहीं करते तुम अंग्रेजी नहीं सीख सकते हो, जब तक तुम पाठ को अच्छे से नहीं पढ़ते तब तक इसके प्रश्न याद नहीं कर सकते हो, जब तक तुम वाक्य को बार बार नहीं पढ़ते तब तक धारा प्रवाह नहीं बोल सकते हो। इस वीडियो में इन सभी सेंटेंसेस को इंग्लिश में इजीली और फ्लुएंसी के साथ कैसे बोलना है हम ये सब सीखेंगे। ये देखने में बहुत बड़ा सेंटेंस स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है बट इन इंग्लिश ये बहुत ही ईजी है। लेट्स सी वन बाय वन। Our first sentence is, जब तक वह वहाँ यहाँ नहीं आता मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। Unless he comes here, कोमा आएगा, I can't help him. Unless he comes here, I can't help him. जब तक वह कठिन परिश्रम नहीं करता वह परीक्षा पास नहीं कर सकता। Unless he works hard, he can't pass the examination. Unless he works hard, he can't pass the examination. जब तक तुम वहाँ नहीं जाते तुम उसकी मदद नहीं कर सकते हो। Unless you go there, you can't help him or help her. You have noticed there कि unless के बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, फिर कोमा लगाकर हम दूसरे क्लोज को लिखेंगे। बहुत ईजी स्ट्रक्चर है, आप अगर प्रैक्टिस करते हैं थोरोली तो पाएंगे कि ये बहुत ही ईजी है। लेट्स सी सम अदर सेंटेंसेस। जब तक तुम अभ्यास नहीं करते तुम अंग्रेजी नहीं सीख सकते हो। अनलेस यू डू प्रैक्टिस यू कैंट लर्न इंग्लिश वेल। जब तक तुम पाठ को अच्छे से नहीं करते इसके प्रश्न याद नहीं कर सकते। अनलेस यू रीड द लेसन थोरोली यू कैंट लर्न इस क्वेश्चन। जब तक तुम पेपर में अच्छे से नहीं लिखते हो तुम अच्छे नंबर नहीं ले सकते हो। अनलेस यू अटेम्प्ट द पेपर केयरफुली यू कैंट गेट गुड मार्क्स। लेट्स सी सम अदर सेंटेंसेस। जब तक मेरे पापा नहीं आ जाते मैं खेलने नहीं जा सकता। अनलेस माई डैड कम्स आई कांट गो टू प्ले। जब तक वह घर के काम नहीं करती तब तक शॉपिंग के लिए नहीं जा सकती। अनलेस सी डज हाउस होल्ड क्योर्स सी कैंट गो शॉपिंग। अनलेस सी डज हाउस होल्ड चोर्स सी कैंट गो शॉपिंग। जब तक मेरी बहन घर नहीं आती मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। अनलेस माई सिस्टर कम्स होम आई कैंट से एनीथिंग अबाउट दिस। लेट्स प्रैक्टिस अगेन। जब तक यह चैप्टर मुझे समझ नहीं आता मैं तुम्हें नहीं करवा सकता। Unless I understand this chapter, I can't get you done. I can't get you done means मैं तुम्हें नहीं करवा सकता। जब तक तुम मुझे अपनी किताब नहीं देती तब तक मैं नोट्स नहीं बना सकती। Unless you give me your book, I can't make notes. जब तक तुम स्कूल में हर रोज़ नहीं आती तब तक तुम अच्छे से नहीं पढ़ सकती हो। Unless you come to school every day, you can't study well. यहाँ पर स्कूल के बाद every day के बाद कोमा आएगा। होप सो यू हैव क्लियर्ड द यूज ऑफ unless इन इंग्लिश सेंटेंसेस एंड यू हैव सीन दैट यूज ऑफ unless मेक्स द सेंटेंस वेरी ईजी टू अंडरस्टैंड एज वेल एज ईजी टू स्पीक इन इंग्लिश। सो प्लीज़ प्रैक्टिस अगेन एंड अगेन एंड हो सके तो अपने स्पोकन इंग्लिश में unless को यूज करते हुए सेंटेंसेस को ज़रूर बोलें बिकॉज ऑल दीज sentences help will be helpful for you when you practice and use in your day-to-day life. If you don't use then all these are useless for you. And now जब तक तुम घर नहीं आ जाते तुम खाना नहीं खा सकते हो। जब तक मेरा फ्रेंड नहीं आता मैं बाहर नहीं जा सकता। जस्ट पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू ट्रांसलेट विद द हेल्प ऑफ unless दीज टू सेंटेंसेज एंड ड्रॉप इन द कमेंट बॉक्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन प्लीज़ आस्क इन द कमेंट बॉक्स। आई विल श्योरली शॉर्ट आउट योर क्वेरी एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। इफ यू फाउंड दिस वीडियो रियली हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज़ डू शेयर as much as you can and thanks a lot to be till the end of the video. I will come with you with a new video. Till then keep watching, keep learning, keep practicing. Bye bye, see you soon.